अब स्कूल जाने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ ही मास्क भी लगाना अनिवार्य हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल और कॉलेजों के लिए एक गाइडलाइन बनाने जा रहा है, जिसके तहत देश भर के सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म के साथ ही मास्क भी अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी गाइडलाइन दी जाएगी, ताकि स्कूल खुलने के साथ ही संक्रमण फैलने का खतरा कम रहे। इन पर रहेगा विशेष फोकस। स्टूडेंट्स के लिए नए सिटिंग मैट्रिक्स, अलग अलग मेस, लाइब्रेरी के नियमों में भी हो सकता है बदलाव, मॉर्निंग असेंबली और खेल गतिविधियां रहेंगी बंद, स्कूल बस कैंटीन और वॉशरूम के लिए भी बनेंगे नियम, समय समय पर बिल्डिंग करानी होगी सैनिटाइज, स्कूल और कॉलेजों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस, स्कूल के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने संभाली जिम्मेदारी, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान के लिए UGC तैयार कर रहा दिशा निर्देश। सूत्रों की माने तो इस देश के कई IIT संस्थान कैंपस में विजिटर्स की एंट्री बंद करने और शिफ्ट में क्लास लगाने, लैब का टाइमिंग अलग अलग करने की योजना पर भी विचार कर रहे हैं। वहीं राज्यों के साथ भी इन गाइडलाइंस को साझा किया जाएगा और राज्य अपने हिसाब से इन गाइडलाइंस की पालना करवाएंगे।